जय श्री राम, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत मेरे खास कार्यक्रम में। मीन राशि अप्रैल माह का राशिफल, अप्रैल माह मीन राशि वालों के लिए क्या क्या रहा और कैसे कैसे आपके राज्यों परिवर्तन होने वाला, आइए जानते हैं। सबसे पहले इस महीने विशेष फेस्टिवल क्या है, आइए जानते हैं। 6 अप्रैल को पूर्णमासी हनुमान जयंती, हनुमान जी की पूजा करें। 20 तारीख को अमावस्या है, अमावस्या में पितरों की पूजा कर सकते हैं। अब इसमें आपका 2020 से मीन राशि वालों का समय ठहर गया, 2022 से ठहर गया, बीस से तो 2022 से समय ठहर गया, क्योंकि आपकी चले शनि की 7.5। तो शनि की 7.5 मीन राशि वालों के लिए क्या निगेटिव है समझ लीजिए। शनि गुरु के मित्र होते हैं, और शनि की 7.5 से बजाय आपके काम रुक रुक हो रहे हैं। आपके कमर में, कूल्हे में, पेट में, घुटनों में या सिर में दिक्कत रहती है। आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहता है। जो भी आप अपने काम करते हो, आपके काम पूरे नहीं होते हैं। जिसको अपना चाहते हो मानते हो, उससे आपको धोखा मिलता है। जहां आपने इन्वेस्ट किया था, जो लगाया था, उससे भी आपके इनकम आपकी नहीं हो पा रही है। इन सारी चीज़ों का जो वैदिक उपाय है, सटीक उपाय है, वो हम आगे बताएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कैसे कैसे आपको इसमें हम बताएंगे। देखिए, हेल्थ आपको दिक्कत रहेगी। कुटुंब दोस्तों से आपको जो है बड़े प्यार से पेश आना, सम्मान करना है, उससे आपको लाभ मिलेगा। यदि आप किसी प्रेम प्रसंग करते हैं, किसी को चाहते हैं, तो पहले कुंडली का विवेचन करवाएं, तब जाकर उससे प्रेम करें, उससे आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि वहाँ भी आपको धोखा मिलता है। जल्दी किसी पर विश्वास आप नहीं करते हैं, अपना मत से काम करते हैं, तो उस पर भी आपको थोड़ा सा, जहाँ सही जगह आपको लगता है विश्वास करने की आवश्यकता है, तो आप वहाँ करिए। वहाँ से वंचित आप ना रहिए, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा आगे चल के। आपकी यात्रा ज़्यादा होंगी इस माह। तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं, किसी व्यापार नई रणनीति के लिए विदेश भी जा सकते हैं। तो विदेश जाने का आपका जो नहीं बन रहा था पासपोर्ट इत्यादि या वीज़ा वगैरह, तो वीज़ा भी आपका लग जाएगा इस माह, आप जाएंगे। इसमें आपको कोई नवीन गाड़ी या कोई ग्रह नहीं खरीदना है। आपको जितना है उसी में आपको रहकर खुश रहना है, और किसी को उधार पैसे नहीं देना है। आपको अपने टारगेट को लेकर चलना है, सुनना सबकी, करना अपने आप मन की। और जो भी आपकी योजना मर रही है काम होने से पहले, उसको ना बताएं, गुप्त रखें, तो आपका काम वो पूरा होगा। आप सत्वगुणी जीवन जिए, आप ईमानदारी के साथ जिए, आपको लाभ मिलेगा। आपको हर बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु की पूजा करनी है, मंदिर जाना है, उससे आपको लाभ मिलेगा। आपके हेल्थ में यदि दिक्कत बनी हुई है, आपके व्यापार नहीं चल रहा, तो उसके लिए वैदिक सटीक उपाय बताना चाहता हूँ मैं, आप सुन लीजिए। उसके लिए आपको गुरुवार के दिन गुरु की होरा में पोखराज सिलोनी श्रीलंका का प्रतिष्ठा जागृत करके आपको रतन पहनना है। इससे आपके 5 काम होंगे। आपका पहला हेल्थ का, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, संतान, शादी और एक डिवाइन पावर आपको प्राप्त होगा। ये आपको धारण करना है, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, आप किसी काम के लिए यदि बैठते हैं पूर्ण रूप से, तो पूरा करके उसको पूरा समाप्त करके वहाँ से उठें, अधूरा छोड़ेंगे आपका काम नहीं होगा। किसी पर यदि आपने विश्वास किया है, तो उसका लास्ट तक आप साथ दें। बीच में आप डगमगाए ना, बीच में आप डरे ना। यदि आपने 100% समर्पण तरीके से किया है, तो लास्ट तक उसका आपको लाभ मिलेगा। समय एक ऐसा है जो आपको सबको सिखा देता है। आप जान जाते हो आपको धोखा मिलना भी, हालांकि 2022 से शुरू हो गया है, जिससे आप डर चुके हैं। तो आपको डरना नहीं है, आपके डटे रहना है, आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है। और शनि आपकी राशि के लिए, मीन राशि वालों के लिए शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन उसमें आपको आवश्यकता यह है कि आपको कोई धन नहीं लगाना है, कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जो चीज़ें हैं उन्हीं पे आपको करके आपको खुश रहना है। दूसरा, आप किसी के लिए, संतान के लिए या शादी के लिए कोई बहुत बड़े मतलब अपना काम करना चाहते हैं, कहीं विदेश यात्रा, तो उसमें भी लाभ मिलेगा। और आप कोई कंपटीशन में भाग लिया है, तो उस कंपटीशन में भी आपको लाभ मिलेगा, बशर्ते आपको अपने तरीके से और अपने आप पर विश्वास रख के आगे बढ़ना है। किसी की बातों पर आपको बात नहीं मानना है, जिससे आपको नुकसान हो जाता है। कुंडली का पहले विवेचन करवाएं, कोई साझेदारी करना है, व्यापार, नौकरी चेंज करनी है या बाहर जाना है, उसके बाद आप डिसीजन लें, उसको आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि आजकल कई चीज़ें ऐसी हैं, जब वो काम बिगड़ जाता है, तब आपको बहुत बड़ा पछतावा रहता है। तो आपके भाग का, कर्म का, जो आपका भाग का सपोर्ट है, वो 60% सपोर्ट करेगा इस माह, आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, आपके लिए बृहस्पति देव की पूजा करनी है। दूसरा, आप फास्ट भी रह सकते हैं, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। और किसी भी ब्राह्मण की और साधु का आपको अपमान नहीं करना है। यदि ऐसा आप करते तो गुरु आपका जो बलिष्ठ है, जो फल है, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव फल देना शुरू कर देता है।
और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और किसी प्रकार का यदि आपका क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो हमारे संस्थान से पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे। क्योंकि समय का अभाव होता है, समय के साथ सारी चीज़ें आपको प्राप्त नहीं हो पाती हैं। तो पहले कोई बड़ा काम करें तो पहले कुंडली को देखें, दिखाएँ और उसका उपाय करें वैदिक वैज्ञानिक, तब आपको लाभ मिलेगा। हर किसी के जीवन में शनि की साढ़े साथी 4 बार आती है पूरे जीवन में। कोई ये ना कहे कि मीन राशि में शनि की साढ़े साथी बहुत दिन से चल रही थी या आगे ज़िंदगी भर चलती रहेगी, ऐसा नहीं है। ये कन्फ्यूजन आपको ख़त्म करनी है। तो अभी चल रही है 2022 से, ये 7.5 साल रहेगी, उसके बाद समाप्त हो जाएगी। अपना ध्यान रखें। जय श्री राम। आप आचार्य पंडित राम अवतार मिश्रा से विविध प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल है वैदिक ज्योतिष संस्थान, फेसबुक आईडी वैदिक ज्योतिष संस्थान, व्हाट्सएप नंबर है 9650925716, हमारी वेबसाइट है www.astrovedic.com, हमारी मेल आईडी है वैदिक ज्योतिष संस्थान 15@gmail.com।